सबसे पहले वेव इक्वेशन है क्या? ये पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड ए है, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स है, प्लस इनिशियल फेज है। ये क्वेश्चन क्लियर है? तो इसको करने से पहले एक चीज और इसमें देखते हैं, वेव की इक्वेशन पे चलते हैं सीधा यहां से। अगर वेव की इक्वेशन 10 रेज टू पावर माइनस 6 साइन ऑफ, ये सब कुछ गिवन है, आपको निकालना है स्पीड ऑफ द वेव v क्या होगा, वेव की स्पीड क्या होगी। तो आपको ये इक्वेशन गिवन है, आप इस इक्वेशन को यहां लिखें। हमें क्या इक्वेशन आती है, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स या प्लस के एक्स, तो थोड़ी चलाती दिखानी है, अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस कर देना है, और प्लस इनिशियल फेज। कंपेयर करें, कंपेयर करके एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आएगी, 10 की पावर माइनस 6। कंपेयर करके ओमेगा क्या आएगा, 100। कंपेयर करके के क्या आएगा, 20। कंपेयर करके इनिशियल फेज क्या आएगा, पाई बाय 4। तो अब आपके पास ओमेगा आ गया, के आ गया। वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा बाय के, ओमेगा पता है, के पता है, डिवाइड करके वेलोसिटी आ गई, किसकी, वेव वेलोसिटी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कंपैरिजन कर लोगे, कंपैरिजन से आंसर आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है, कंपेयर करो, सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। जैसे ये रहा हार्मोनिकली मूविंग ट्रांसवर्स वेव, सिंपल हार्मोनिक वेव, मूविंग हार्मोनिकली इसलिए कह रहा है कि आपकी इक्वेशन साइन या कॉस में बनने वाली है। मूविंग अलोंग क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, उल्टा, हैज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 3। अब हार्मोनिक वेव है, किसकी वेलोसिटी 3 गिवन है एंड मैक्सिमम एक्सीलरेशन गिवन है, फिर ये क्या गिवन है, वेव वेलोसिटी 20। अरे ये कैसे हो गया, फिर इसका मतलब ये किसकी वेलोसिटी एक्सीलरेशन है, पार्टिकल की, क्योंकि एंड में क्या कह रहे हैं, वेव की वेलोसिटी 20 है। कंफ्यूजन हो रही है ना, दो दो वेलोसिटी कैसे हैं, तो ये पता लग रहा है कि अगर वेव की वेलोसिटी दे रहा है v, तो ये किसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन होंगी, और वैसे भी यार वेव की मैक्सिमम वेलोसिटी कौन सी होती है, वेव की तो एक ही वेलोसिटी होती है, तो किसी की होगी, पार्टिकल की होगी, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन चेंज होती है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी पार्टिकल की ए ओमेगा, मैक्सिमम एक्सीलरेशन SHM का फॉर्मूला ए ओमेगा स्क्वायर गिवन है। इन दोनों को सॉल्व करके आप ओमेगा और ए तो निकाल ही सकते हैं, सॉल्व करके ओमेगा ए आ गया मान लो। अब आपको क्या गिवन है, वेव की वेलोसिटी भी गिवन है 20, वेव की वेलोसिटी 20, वेव की वेलोसिटी होती क्या है, ओमेगा बाय के 20। अब आपको वेव की वेलोसिटी में ओमेगा तो आप ऊपर से निकाल ही लेंगे सॉल्व करके 30, यहां से सॉल्व करके क्या जाएगा, के भी आ जाएगा, तो के आ जाएगा, ए आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, वेव फंक्शन निकालना है वेव की इक्वेशन में, क्योंकि वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, तो वेव की इक्वेशन को क्या लिखना है, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, माइनस नहीं प्लस के एक्स। आपको वेव इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड निकला हुआ ये रहा। आपको क्या चाहिए, ओमेगा, ओमेगा निकला हुआ ये रहा। आपको क्या चाहिए, के, के निकला हुआ है, ओमेगा बाय के 20 है, ओमेगा आपको पता है यहां से के की वैल्यू पुट करके आंसर, तो ये वेव फंक्शन बनेगा आंसर है। तो वेव की इक्वेशन बनाने का कैसे बनानी है ये बता रहा है कि कैसे वेव की इक्वेशन बन सकती है। क्लियर है यहां तक? इस क्वेश्चन को देखें, तो इस क्वेश्चन के अंदर y की ये वैल्यू है, ठीक है, और आपको सब कुछ निकालना है, a लैम्डा सब कुछ निकाल दो। अब ये याद रखना, वो कंफ्यूज करने के लिए ना यहां पर 2π अलग देगा, हमने ऐसी क्वेश्चन याद नहीं की, हमने तो सिंपल इक्वेशन याद की है। तो आप सबसे पहले 2π को इससे और इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब सही है, आप अपनी इक्वेशन लिखें, क्योंकि आपकी इक्वेशन माइनस में तो ये भी माइनस में, तो एम्पलीट्यूड क्या आ गया 10, ओमेगा क्या आ गया 2π, के की वैल्यू क्या आ गई 2π × 0.005, तो एम्पलीट्यूड आ गया, ओमेगा आ गया, ओमेगा इस 2π × फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी भी आ गई, के भी आ गया, के पता है, ओमेगा और वी में ओमेगा भी पता है, तो सॉल्व करके क्या आ गई, वेलोसिटी भी आ गई। अब आपको फ्रीक्वेंसी पता है, आपको वेलोसिटी पता है, वी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा से किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू भी आ जाएगी आंसर। तो मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा है, कोई डाउट इसमें? जैसे ये क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज 20, खिंची हुई रस्सी है और स्पीड ऑफ वेव, ये किसकी स्पीड है, पार्टिकल नहीं वेव स्पीड है, तो वी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, क्या निकालना है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट्स के बीच में, जिनके बीच में डिस्टेंस कितना है
10 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस को एंगल में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला याद करो, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, तो जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, पाथ। तो डेल्टा एक्स इसमें 10 है, तो अगर मैं लैम्डा निकाल दूं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली क्या जाएगा, फेज। इसमें शॉर्टकट नहीं चलेगा, वो तब चलता है जब लैम्डा और पाई की कन्वर्जन है। इसमें 10 सेंटीमीटर का थोड़ा शॉर्टकट है, तो 10 सेंटीमीटर को तो यहाँ पुट करके आपको निकालना ही पड़ेगा फेज डिफरेंस, इसके लैम्डा चाहिए। तो आ जाएगा लैम्डा, वेलोसिटी पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा से वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी से लैम्डा आ गया, उस लैम्डा को यहाँ पुट करके आंसर आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये फॉर्मूला यानी कि काम की चीज़ है, ये याद भी रखना है, पता लगे कि शॉर्टकट हर जगह चलेगा नहीं इसमें, ठीक। और अगर भूल जाओ, मेरे से बंदा याद ही रखता है वैसे, पता क्या करता है मन में, क्या निकालना है, फाइव लैम्डा का मतलब 2 पाई, 1 का मतलब 2 पाई बाय लैम्डा, 10 सेंटीमीटर का मतलब 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 10, लो बन गया आंसर, लैम्डा निकाल के आंसर। भूल गए तो कम से कम ये तरीका तो है ही ना, फॉर्मूले में कन्फ्यूजन, दो दिन बाद तुम फॉर्मूला याद नहीं रहेगा ना। अब कि इसमें फॉर्मूले में याद करने में क्या है प्रॉब्लम, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, पेपर जब करेंगे तो क्या था, पाथ डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू फेज डिफरेंस, कि फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, कंफ्यूजन होएगी। तो इसलिए ये यूनिटरी मेथड भी साथ में याद कर लेना या फॉर्मूला पक्का कर लेना। नेक्स्ट, यहां पर करेक्शन करो, ये नेगेटिव है, करेक्शन करो, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, क्वेश्चन है, सिंपल हार्मोनिक ट्रेन ऑफ एम्पलीट्यूड ए पता है, फ्रीक्वेंसी न्यू पता है, मूविंग नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी पता है, सब कुछ सेंटीमीटर में कर लो, 1500 कर लो, फाइंड डिस्प्लेसमेंट वाई ऑफ द पार्टिकल एंड वेलोसिटी एंड पार्टिकल एक्सेलरेशन। तो इसमें वाई बताना है, वेलोसिटी बतानी है, एक्सेलरेशन बतानी है पार्टिकल की, पार्टिकल की ऑब्वियसली वाई तो पार्टिकल का ही होता है, तो पार्टिकल की तीनों चीजें बतानी है, कब, जब x कितना है 180 और टाइम कितना है 5, प्रॉपर वैल्यू आएगी, x और t की फॉर्म में नहीं छोड़ना। तो पहले वेव की इक्वेशन बोलो क्या बनेगी, वेव की इक्वेशन बनेगी ओमेगा t प्लस के x, क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस है, तो नेगेटिव x एक्सिस की इक्वेशन यही बनेगी। एम्पलीट्यूड क्वेश्चन में क्या बना है, एक ओमेगा फ्रीक्वेंसी से आ जाएगा, 2.2 फ्रीक्वेंसी ओमेगा आ गया, ओमेगा और v से k आ जाएगा, k पुट कर दिया, वेव की इक्वेशन आ गई आपको। लेकिन ये क्या बताना है, आपको y बताना है, कब, जब डिस्टेंस क्या है 180, x क्या है 180 और टाइम क्या है 5, तो आप यहां x को 180, टाइम को क्या पुट करें 5, तो ये टर्म आ जाएगी। मैथ्स के लोग जानते हैं, मेडिकल के लोग देख लें कि एंगल ना 2 पाई का मल्टीपल है, इसको ऐड भी कर लेंगे तो 2 पाई का मल्टीपल, जब साइन में एंगल 2 पाई का मल्टीपल होता है तो आंसर हमेशा जीरो आता है, जैसे साइन ऑफ 2 पाई जीरो है, साइन ऑफ 2 इंटू 2 पाई जीरो है, साइन ऑफ 3 इंटू 2 पाई जीरो है, हाँ एन पाई 2n पाई, 2 पाई का मल्टीपल जीरो है, तो मेडिकल के लोग 2 पाई का मल्टीपल आ रहा है तो आंसर जीरो ही होगा, ठीक। अब इसी के साथ ऊपर एक ये टर्म थी, ये भी ना बता ही देता हूं इसमें क्या है, टाइम के साथ क्या रिलेशन है, जब एक वेव बनती है तो फेज कितना है 2 पाई, पाथ कितना है लैम्डा, टाइम कितना है कैपिटल टी, एक वेव कितने समय में बनती है कैपिटल टी में, तो ऐसा भी तो हो सकता है कैपिटल टी कॉरस्पॉन्ड्स टू 2 पाई, कि अगर मैं आपको समय दूं, एक वेव ने कैपिटल टी टाइम लिया बनने में, तो एंगल कितना कवर किया 2 पाई, 1 का मतलब 2 पाई बाय लैम्डा, और डेल्टा टी टाइम में कितना हुआ 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा टी। वैसे नॉलेज के लिए बता दूं, ये ओमेगा टी है, फेज हमेशा क्या स्टैंडर्ड लिया जाता है, ओमेगा टी, देखो ओमेगा टी है फेज, पता ही है वो तो क्या होता है, जैसे न्यूमेरिकल आएगा कि ये बताओ कि वेव ने कितना एंगल कवर किया कितने समय में, t बाय 4 समय में, तो अब यहां पर क्या पुट करेंगे t बाय 4 आंसर, तो कैपिटल t में 2 पाई एंगल कवर किया, t बाय 4 में कितना किया पाई बाय 2 किया, t बाय 6 में कितना किया, इसकी जगह t बाय 6 आंसर। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट मानेंगे, वो कहेगा t बाय 4, t का मतलब मन में
टू पाई, उठा के टू पाई पुट करके सीधा आंसर। वो कहेगा टी बाय सिक्स, टी टाइम पीरियड का मतलब एंगल कवर्ड कितना, टू पाई, आंसर पाई बाय थ्री। बात ही खत्म करो यार, टी को टू पाई रिप्लेस करके आंसर आ जाएगा, ये ज्यादा ठीक है। ठीक है, यहां तक ये एनसीईआरटी की असाइनमेंट है। मेंस वालों ने दो क्वेश्चन पूछे, पहला ये पूछा, कह रहा है जी मेंस वाले कहते हैं लोग रट्टा मार के आते हैं साइन कॉस का, मैं साइन कॉस की वेव देता ही नहीं, वो कहते हैं मैं तो ऐसी वेव, मेरी कहता वेव पल्स ऐसी बनेगी, मैं ऐसी रस्सी को घुमाऊंगा कि ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो मेरा ग्राफ है, तो बताओ मेरी वेव की वेलोसिटी क्या है। डराने के लिए, डराने के लिए, करने के लिए, डरने के लिए नहीं है। ध्यान से देखो इसको, ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बना हुआ है अंदर से, ये कोई भी वेव आए साइन कॉस में ना भी आए, वेव फंक्शन फंक्शन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। साइन लगे कॉस लगे तो हार्मोनिक है, नहीं तो नॉन हार्मोनिक है, तो ढूंढना पड़ेगा। ये देखो इसको लिख लेते हैं रूट ए का टी रूट बी एक्स, ये देखो होल स्क्वायर बना दो, ओपन करके देख लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, जानबूझ के ऐसा दिया ताकि आप ये खुद करें। आपको सिर्फ वेव की क्वेश्चन में ढूंढना ही है, साइन कॉस नहीं ढूंढना होता, ओमेगा टी के एक्स ढूंढना होता है। अब मन में सोचें ये क्या बना, ओमेगा टी, ये क्या बना के एक्स, तो यहां से ओमेगा क्या आ गया रूट ए, के क्या आ गया रूट बी, ये रहा। तो वेलोसिटी क्या होगी ओमेगा बाय के, आंसर ये ऑप्शन है। मैं कुछ भी बहुत गंदा दे सकता है आपको, लेकिन उसमें से छांटना पड़ेगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, जैसे ये क्लियर है। हाँ रूट बी टी आएगा राइट, या रूट बी आएगा राइट, ठीक है ये आएगा सही है। मतलब ऐसा फंक्शन देगा कि जहां पर ए माइनस बी या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे फिर आया देखो पेपर में, ये कह रहा है मैं वेव ऐसे चलाऊंगा, निकाल दो वेव वेलोसिटी। अब देखो ये तो फिर भी आसान है क्योंकि इसमें एक्स भी दिख रहा है, इसमें स्मॉल टी भी दिख रहा है, तो आगे पीछे जो मर्जी दिखे, ये क्या बनेगा ओमेगा टी, ये क्या बनेगा के एक्स। कंपेयर कर लो ना इसको, इससे कंपेयर करो तो ओमेगा टी इज इक्वल टू टी बाई कैपिटल टी, टी से टी कैंसिल, तो ओमेगा क्या आ गया वन बाई टी, ये रहा। फिर इसको इससे कंपेयर कर लो तो के एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय लैम्डा, तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो के की वैल्यू वन बाय लैम्डा, तो आपके पास अब क्या आ गया ओमेगा आ गया के आ गया, तो क्या बन गई वेलोसिटी आ गई। क्वेश्चन में लैम्डा और टी गिवन है, यहां से वेलोसिटी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट क्लियर है,